नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आपका नई वीडियो में। ठीक है, आज हमारे पास फिर एक बार आई है किया की सोनेट, जो कि आई है हमारे पास दोबारा। पर आज हमारे पास थोड़ा एडवांटेज है क्योंकि हमारे पास आई हुई है कि वो सीधा शोरूम से हमारे पास आई जी। असंभव, असंभव। ओनर जो थे उन्होंने बाय किया, डायरेक्टली हमारे पास आए हैं क्योंकि वो उन्होंने काफी सारी और भी गाड़ियों में लगवाए हुए हैं। उनको परफॉर्मेंस हमारी किटो की काफी अच्छी लगी थी, मजा आया। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको सीधा इंजन की तरफ कि जहाँ पे हमने सेटिंग की है और जो फिटिंग की है और सेटिंग जिस तरीके से की है वो दिखाएंगे। और साथ में हमने इसको थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे ले गए हैं। जिस क्या बात कर रहे हैं, तो हम कंपनी फिटेड वाला पूरा आपको फिनिशिंग के साथ फिटिंग दिखाएंगे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था कि हमने एनजी भी उसमें लगाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं चाहते हैं हम आपको कि ये पूरा ओवरऑल जो सेटिंग की हुई है फिटिंग की दौरान कंपोनेंट्स की जो कनेक्टिविटी है वो देख सकते हैं। रिड्यूसर से स्टार्ट करते हैं बारीकी से कि आप देख सकते हैं जब इसे लगाया गया था तो पूरा ड्यूरेबल और उसका ध्यान रखा गया था कि कनेक्टिव जब किया गया है फिलिंग वाल से यहाँ पे सैम्पल पाइप को तो सेवलन टेप का यूज़ किया ताकि लीकेज की प्रॉब्लम ना रहे। और ठीक इसके साथ जब हमने इंजेक्टर रेल को कनेक्ट किया है इसके रबड़ पाइप के थ्रू तो क्लैंप का इसमें भी इस्तेमाल किया है, देख सकते हैं। ये पकड़ मजबूत बनाती है और ड्यूरेबल होती है काफ़ी टाइम तक। हैवी इंजन होता है इसका तो हमने 8 इंजेक्टर इसमें इंस्टॉल करा है और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए पूरा प्रिकॉशंस का ध्यान रखा है। जो इंजेक्शन्स हैं उनको भी क्लैंप के जरिए पकड़ मजबूत बनाई रखी है। ठीक इसके साथ ECM हमने 8 इंजेक्टर का हैवी वाला लगाया है जो कि इसमें ECM जो है 8 इंजेक्टर को सपोर्ट करता है ताकि जो आपके परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी बना सके। और उसके जो 48 पिन के कॉम्बिनेशन होता है देख सकते हैं प्रॉपर टेपिंग के साथ यहाँ पे हमने लाया है और जहाँ पे जो कॉम्पोनेंट कनेक्ट होने होते हैं वहाँ पे तार को लूज छोड़ा गया है ताकि कनेक्टिविटी आसानी से की जा सके। ये था इसका पूरा ओवरऑल। मैं दिखा देता हूँ आपको कि जैसे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है CNG बटन, ओनर से पूछा था तो उन्होंने इसके बारे में बोला कि यहीं लगा दो क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी आसान हो जाती है, देख सकते हैं। बाकी हम बूट आ गए हैं बूट स्पेस की तरफ और इस तरफ आपको मार्जिन दिख रहा होगा पूरा बूट स्पेस का। 12 किलो का सिलेंडर हमने लगाया है और स्टैंड जो लगाया था उसका पूरा ध्यान रखा था कि ड्यूरेबल हो सके। और ठीक इसके साथ स्टेपनी ठीक अपनी कंडीशन में होती है, कवर को उतना ही कट किया जितना दोबारा यूटिलाइज हो सके। यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको कि जब हमने जो फिलिंग वाल्व वाला जो पाइप आता है सेकंड वाला वो यहाँ पे आता है ताकि जो आपका CNG है इसमें स्टोर हो सके, उसको लीकेज ना हो, इसलिए हमने क्लैंप का वो उसका यूज़ किया है सेवलन टाइप का। 12 किलो के सिलेंडर के अंदर आपको 8 किलो से ज़्यादा की गैस मिलती है और आप देख सकते हैं बूट स्पेस आपको काफ़ी सारा मिल जाता है जिसमें आप काफ़ी सारे सामान कैरी करके ले जा सकते हैं। ठीक इसके साथ हमने यहाँ पे लगाया है एक NGV जो आप अपने बोनट को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं। यहाँ पे कंपनी एज़ कम्पेयर जो कंपनी फिटेड वाला फील होता है ये आप ले सकते हैं यहाँ पे कि पेट्रोल का टैंक ओपन करेंगे और यहाँ से CNG ओपन भरवा सकते हैं। जैसा कि आपने पूरी वीडियो में देखा कि हमारे जो फिटर थे उन्होंने कितना ध्यान रखा था और साथ ही साथ हम आपको ये इस वीडियो में हमने 3 दिन पहले ही डाला था जिसमें दिखाया था कि पूरी डिटेल भी बताई थी और साथ में दिखाया था कि जो हमारे फिटर थे उन्होंने सेम उसी का ही ध्यान रखा था, इंजेक्टर्स रेल कैसे कनेक्ट किया था। ज़्यादा बात नहीं करेंगे नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी और सेम वही सारे प्रिकॉशन सारी फिटिंग मैनेजमेंट सारा हमने वही ध्यान में रखा था। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्त को शेयर करिएगा जिनको CNG लगवानी है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई कंसर्न है CNG से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।